स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ओएस का है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर मैंने प्रिपेयर किया है। तो मैं सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ एंड ऑफ, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसका सारे का आंसर पता है। मैं केवल आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जब आपसे रिवाइज कराऊंगा तो साथ में आप दोहराना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना प्रिपेयर है और आप कितना जान रहे हो। अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, एक ऐसा प्रकार का इंटरफेस जो यूज़र और हार्डवेयर डिवाइस जो भी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको यूज़ कराने लायक, जो मतलब यूज़र अगर चाहता है उसको यूज़ कर सके, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही संभव है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बेसिक गोल्स है? एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रोग्राम इजियर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशियंट मैनर, यानी कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, उसमें अंदर जो भी सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी आसानी से यूज़ करने लायक हो और बहुत ही ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें, ये मेन गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जनरली एक और तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसका जो सिंपल टर्म्स में आप डिवाइड करोगे वो एक हार्डवेयर होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा और एक यूज़र होगा। चार पार्ट्स में डिवाइड करोगे। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा आपका? सारा कंप्यूटर का जो भी डिवाइस है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करने लायक बना सके, कंट्रोलर की भूमिका अदा कर सके, वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स को आप यूज़ कर सको। एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डे रिलेटेड, यूज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम, डे बाई डे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नया कुछ डेवलप करते हो एप्लीकेशन के फॉर्म में, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया। और यूज़र कौन होंगे? यूज़र होंगे जो हम लोग हैं और साथ में जितने भी तरह के मशीन हैं अवेलेबल मशीन, उसको अगर हम लोग यूज़ कर सके तो हम लोग यूज़र। तो चार पार्ट में हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। जस्ट सिर्फ रिविज़न कराना है हमको, जब उसके आर्किटेक्चर को आप बताओगे तो लास्ट में जब इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करोगे तो ये डायग्राम जरूर बना देना। हायरार्की है, लोअर टू हायर जा रही है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको यूज़ कौन करना है? यूज़ कर रहे हैं यूज़र, और यूज़ करने के लिए बीच में जो कंट्रोलर है जो दोनों को यूज़ करा सक रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, या तो आप हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो या उसके डिवाइस के अंदर के कुछ चीज़ों को यूज़ करके अगर कोई एप्लीकेशन यूज़र के लिए बनाना चाहते हो, तो ये आपका थर्ड लेयर हो गया। तो वन टू थर्ड एंड फोर्थ लेयर का आपको आर्किटेक्चर डायग्राम बनाना होगा। एक और क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, फिर से हम लोग इसके सिक्स पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज़र आइसोलेट एट होम वांट कन्वीनियंस यूज और एज ऑफ यू डू नॉट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल यूजर हैप्पी, यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशन हैव डेडिकेटेड रिसोर्स बट फ्रीक्वेंटली हैज शेयर रिसोर्स फ्रॉम सर्वर, handheld computer are resource poor optimized for usability and battery life, some computer have little or no use interface such as embedded computer and device and automobile। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हार्डवेयर डिवाइस वर्ल्ड में यूज़ होते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग करके क्राइटेरिया वाइज कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपके इस प्रकार के लिए बनाया, जैसे आपका हो गया लैपटॉप यूज़ करते हो, उसके डिवाइस को डेस्कटॉप की यूज़ करते हो, तो आपको जितना भी है ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को ध्यान में रखना कि उसका बैटरी लाइफ और यूजिबिलिटी के साथ मतलब यूज़ कर सको, कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही लेंदी हो जाए, सिस्टम हमेशा हैंग करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से ध्यान में रख के बनाना है। कहीं कहीं सिस्टम में आपका इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट एम्बेडेड, जैसे आपका ऑटोमोबाइल डिवाइस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है डायरेक्टली बिना किसी इंटरफेस के थ्रू, और कुछ ऐसे हो गए कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर टाइप के हो गए जिसमें यूज़र्स का सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। एक वर्क स्टेशन टाइप का होता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का जो डिवाइस हो गया या मोबाइल फोन स्टेशन जिस तरह से काम करता है, या किसी और आपका केबल टीवी चैनल हो गया, इस तरह का भी कुछ होता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारे फील्ड में यूज़ होता है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जहाँ पर भी हार्डवेयर कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में आप यूज़र उसको यूज़ करना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, तो यूज़ कर सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ड्यूटी है। हम दो और डेफिनेशन के फॉर्म में इसको देख सकते हो।
एक रिसोर्स एलोकेटर के फॉर्म में होता है, जितने भी तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर के अंदर वो आप कंट्रोलर के फॉर्म में वो आपको जब प्रायोरिटी वाइज है वो आपको उपलब्ध कराएगा और कंट्रोल भी करता है प्रोग्राम को, मतलब आप मल्टीपर्पज़ यूज़ करना चाहते हो सिस्टम को तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। को मैं एक रिवाइज और पार्ट करा दे रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन जो आपने हम लोग डिस्कस किया, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, तो मेमोरी के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक्स एडाप्टर, डिस्क कंट्रोलर, सीपीयू यूज़ होते हैं। तो इसको एक डायग्राम के फॉर्म में आप चाहो तो एक दे सकते हो एग्ज़ाम में, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे, जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे उतना मार्क्स आपका इम्प्रूव होगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेशन, तो क्या क्या इसका ऑपरेशन होता है। सबसे पहले ऑपरेशन होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द सीपीयू कैन एक्सिक्यूट कंकरेंटली, मतलब दोनों को कंकरेंटली ऑपरेट करा सके, यानी सीपीयू भी वर्क कर सके इनपुट आउटपुट भी वर्क कर सके, दोनों एक दूसरे के चलते मतलब प्रॉब्लम में नहीं है, और ऐसा ना हो कि एक काम कर रहा है तो दूसरा बैठा दूसरा काम कर, अपना सारा ऑपरेशन कंकरेंटली होते रहे। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज द चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस टाइप, सारे डिवाइस एक्टिव रहे, सारा डिवाइस अपने आप ऑटोमेटिक वर्क कर सके, हमको किसी डिवाइस के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, तो यहाँ पे कंट्रोलर की भूमिका में ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बहुत अच्छे से करता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज ए लोकल, लोकल बफर होना बहुत जरूरी है, जैसे कीबोर्ड के लिए लोकल बफर होना चाहिए, आप कोई की टाइप करें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हो, डेटा साइज बड़ा है तो बफर मेमोरी में स्टोर होगा। प्रिंटर के लिए अगर प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो वहाँ पर भी लोकल बफर होना जरूरी है, तो लोकल बफर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ताकि कोई वर्क स्मूथली और फास्टली वर्क कर सके। इनपुट आउटपुट इज फ्रॉम डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर, जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बोला सीपीयू मूव्स डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर, कैसे ये ऑपरेट होता है, सीपीयू क्या करता है, डेटा कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी टू लोकल बफर लेता है। डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू दैट इट हैज़ फिनिश इट्स ऑपरेशन बाई कॉजिंग एन इंटरप्ट, यानी कोई भी वर्क अगर कर रहे हो और कोई भी इनपुट आउटपुट से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और इनपुट आउटपुट से डेटा आपका बफर में जा रहा है और वहाँ से फिर सीपीयू ऑपरेशन करके फिर वापस कर रहा है, तो कोई भी वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो इसके लिए इंटरप्ट को एक्टिव रहना जरूरी है। सब तरह के अलग अलग वर्क के लिए, प्रिंटर के लिए अलग इंटरप्ट होता है, स्कैनर के लिए अलग इंटरप्ट होगा, या कीबोर्ड के लिए अलग इंटरप्ट होगा, सारे चीज़ों के लिए इंटरप्ट एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या हार्डवेयर के फॉर्म में जिस फॉर्म में भी है वो एक्टिव रहना जरूरी है ताकि मेरा वर्क स्मूथली चले। और इसको देखने का काम कौन करता है, ओएस करता है। जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एग्जाम में इंटरप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्ट भी इंटरप्ट के आंसर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो जस्ट मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर व्हिच कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। अ ट्रैप और एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरल इंटरप्ट काउज आइदर ऑफ एरर और यूजर रिक्वेस्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरप्ट ड्रीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस रोल में होता है, इंटरप्ट ड्रीवन के रूप में होता है, यानी इंटरप्ट को ड्राइव करा सके, अच्छे से इंटरप्ट को यूज़ करा सके। दूसरा चीज़ ये है कि अगर इंटरप्ट में कोई एरर आता है तो ट्रैप होना चाहिए, एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए ताकि हमको पता चल सके कि मेरा इंटरप्ट काम नहीं कर रहा है, और जो भी इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शंस है, जो भी है उसके आर्किटेक्चर है, उसका मेमोरी में स्टोर रहना चाहिए ताकि इंटरप्ट स्मूथली वर्क कर सके। इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर होता है मल्टीपर्पज़ डिवाइस में, जहाँ एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि सारे काम स्मूथली और तेज़ी के साथ हों, तो इंटरप्ट का एक्टिव रहना और उसको अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस और रिमाइंड करा दे रहा हूँ, इंटरप्ट को हैंडल कैसे करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व द स्टेट ऑफ सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर के थ्रू इंटरप्ट को हैंडल करते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है तो काउंटर एक्टिव रहता है, एक के बाद एक दूसरा इंटरप्ट एक्टिव हो गया, तीसरा इंटरप्ट एक्टिव हो गया, तो इसके लिए को प्रोग्राम काउंटर को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ हमारे पास दो नया टेक्निक होता है, पोलिंग और वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम, जिसमें पोलिंग कराते हैं। जैसे आप इलेक्शन का पोलिंग देखते हो कि एक कैंडिडेट इससे ज़्यादा रहते हैं और वोट देके हम एक कैंडिडेट को एक्टिव करते हैं, उसी तरह से पोलिंग सिस्टम इस इंटरप्ट में भी होता है। एक से ज़्यादा प्रोसेस है, उसमें इंटरप्ट जो है जिसको मिलेगा वो इसको यूज़ करेगा। वेक्टर इंटरप्ट भी एक प्रकार का होता है। सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। हम सारे इंटरप्ट को सेपरेटली अगर हैंडल करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग हमको सेगमेंट ऑफ कोड लगाना होगा ताकि इंटरप्ट को हम हमेशा देखिए इंटरप्ट को आपको जितना एक्टिव करके रखोगे और जितना अच्छे से स्मूथली यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका डिवाइस स्मूथली वर्क करेगा। अगर इंटरप्ट कहीं पे काम नहीं कर रहा है तो वहीं से प्रॉब्लम हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टम में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस्ट कंट्रोलर है, तो इंटरप्ट अगर एक्टिव मोड में रहता है, सारे इंटरप्ट अच्छे से स्मूथली वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप को ठीक से सुचारू रूप से काम कर पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा।
आप एग्ज़ाम में इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये कभी कभी पूछता है इनपुट आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इसको अपने से डिस्कस कर लीजिएगा। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं स्किप करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को असल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस भी करना है और बताते भी जाना, थोड़ा समझाते भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा आप ये स्टोरेज स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो ये दोनों मेमोरी का कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। हमको जहाँ तक पता है कि आपको पता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, उनका क्या रोल है एग्जाम में ऑलवेज पूछा जाता है। मैं बहुत ही जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको समझा समझा कर बताऊंगा, और जो लर्न करने लायक है, जो एक बार में देखने पर समझ में आने लायक वाले, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। तो आपको मैं ये फिर से बोलता हूँ, स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज हायरार्की किससे से डिवाइड किया जाता है? स्टोरेज हायरार्की तीन तरह से डिवाइड किया जाता है, स्पीड के अनुसार, कॉस्ट के अनुसार और वोलेटिलिटी के अनुसार। मतलब उसकी स्पीड जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी उसको सबसे पहला इंपॉर्टेंस मिलेगा, लेकिन वो अच्छी भी होगी स्पीड उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वोलेटाइल उनका इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा जो लॉस हो जाएगा अगर सिस्टम से, तो मतलब कितना तीनों का अगर जो कॉम्बिनेशन सबसे जिसका अच्छा होगा उसको सबसे पहला स्थान। जैसे कैशिंग जो होता है, कैश मेमोरी, इसको नंबर वन में स्टोरेज हायरार्की में रखते हैं, उसके साथ और नीचे नीचे होता है। तो एग्जाम में कभी कभी स्टोरेज हायरार्की पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको वही ट्रायंगलर वाला जो डायग्राम है जिसमें सबसे ऊपर कौन सी मेमोरी रहेगी उसके बाद कौन सी मेमोरी रहेगी, तो उस तरह से आपको करके डायग्राम बनाना है और क्राइटेरिया वही करना है, आपको स्पीड, कॉस्ट और वोलाटाइल के बारे में डिस्कस करके आपको लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में आप जान सकते हो। ये वाला डायग्राम हो गया जो मैं भी बता रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा एग्जाम में, इसको जरूर डायग्राम को बना कर डिफाइन करके आंसर लिखिएगा स्टोरेज डिवाइस हायरार्की का। और इसमें से कोई एक दो को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा कैश मेमोरी का आप एक्सप्लेन करना सकते हो तो कैश मेमोरी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ड्यूल कोर डिज़ाइन पूछ देता है, ड्यूल कोर एग्जाम मतलब जो मल्टी दोनों तरह से वर्क कर सकता है, तो इसमें एक आपका जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभी होता है, तो इसलिए अगर टाइम मिलेगा तो ड्यूल कोर डिज़ाइन सिस्टम को थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर पूछता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में आप उसके वर्क को, जैसे सिंगल यूज़र हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, रियल टाइम सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें ना ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डिफाइन की जाती है। तो उसका जब भी आंसर लिखोगे तो उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर दे दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो डायग्राम देने से एक्चुअली सब चीज़, थ्योरी अगर छोटा भी लिखो, डायग्राम अगर अच्छा से बना रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो, तो आपका आंसर जो है ना वो मार्क्स में बढ़ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेशन वही हो गया, इंटरप्ट ड्रिवन हो गया, ड्यूल मोड हो गया, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेशन भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोसेस मैनेजमेंट से आता है, तो प्रोसेस कोई भी वर्क करने का क्राइटेरिया, प्रोसेस मैनेजमेंट कब यूज, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर आपको वर्क कराना है तो उस केस में प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। ये इसका फाइव स्टेज लाइफ साइकिल है। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस। सबसे पहले या तो प्रोसेस क्रिएट होगा या होने कंप्लीट होने के बाद उसका डिलीट होगा। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, अगर प्रोसेस वर्क कर रहा है और उसके बाद क्या हो गया कि आपको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो रही है और दूसरे प्रोसेस की लाइन में क्यू में लगे हुए हैं, तो इस प्रोसेस को सस्पेंड किया जाता है। और जैसे इसकी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद इसको फिर से एक्टिव होना होता है, तो उसको रिज्यूम किया जाता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, वो प्रोसेस जब एक से ज़्यादा प्रोसेस को वर्क कराना है तो हम लोग को मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होगा, यानी प्रायोरिटी सेट करना होगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर एक से दूसरे प्रोसेस को कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, इसमें बहुत मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कि प्रोसेस डेडलॉक सिचुएशन में चला जाता है। क्यों जाता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस और एक समय में वो सीपीयू को एक्टिव करना चाहते, सीपीयू को यूज़ करना चाहते, तो उस केस में डेडलॉक की सिचुएशन होती है। डेडलॉक की सिचुएशन होने के बाद उसको कैसे हैंडल किया जाता है, इस चीज़ का मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। मेमोरी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल डेटा इन मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मेमोरी मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है, कि डेटा को जो है वो मेमोरी में आने के बाद और मेमोरी से बाहर निकलने के बाद कैसे प्रोसेस करना है, ये मेमोरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल इंस्ट्रक्शन मेमोरी इन ऑर्डर टू एक्सिक्यूट, उसके मेमोरी के अंदर के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे एग्जीक्यूट हो पाएँ, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इज इन मेमोरी व्हेन ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूजर।
मेमोरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से सीपीयू को ऑप्टिमाइज कर सके, और जब उस समय जब यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को हम यूटिलाइज, सीपीयू को हमेशा हमको बिजी करना है तो मेमोरी के मैनेजमेंट को सबसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेमोरी अरेंजमेंट की क्या क्या एक्टिविटी होती है, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बींग यूज एंड बाई होम। मेमोरी मैनेजमेंट पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखता है कि इस मेमोरी को कौन यूज़ कर रहा है इस टाइम और किस लोकेशन पे यूज़ हो रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस और पार्ट देयर ऑफ एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट, उसको इस चीज़ के भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कौन सा डाटा मेमोरी से बाहर गया है और कौन सा डाटा मेमोरी में आ रहा है। एलोकेटिंग एंड डिलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एनी डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे मेमोरी डेटा स्टोर करना और किस तरह से निकालना है, कहाँ पे रखना है, स्पेस रिजर्व करना है, ये सारी चीज़ मेमोरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टॉपिक हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस होता है वो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराना होता है, और उसके अंदर जो भी फाइल हैं जितने भी फाइल हैं उसको सिस्टम के थ्रू मैनिपुलेट कराना होता है। तो ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम चार तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या क्या कराता है, यूज़र को एक्टिव कराता है, यूज़र को अगर कुछ भी ऑपरेट करना है उसके अंदर कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम सारा स्मूथली एक्सिक्यूट कर सके उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। सारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्मूथली वर्क हो सके उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर जितने फाइल हैं फोल्डर के फॉर्म में स्टोर हैं, जो एप्लीकेशन के फॉर्म में स्टोर हैं, उसको अगर यूज़ कराना तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। और दो और तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन के लिए और एरर डिटेक्शन के लिए। दोनों एरर डिटेक्शन आपका जो है इंटरप्ट जो जनरेट होता है और इंटरप्ट सही से स्मूथली वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कोई भी वर्क आप फाइल सिस्टम का वर्क करें या कोई डिवाइस का वर्क करें वो पता नहीं चल पा रहा, तो वो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट के फॉर्मेट में होता है और उसके बाद वो पता चल जाता है अच्छा ये वाला पार्ट एक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये हो गया कि आपका एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस के बीच कम्युनिकेट कराना है, कुछ वर्क कराना है, तो ये कम्युनिकेशन भी अगर आपको कराना है एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसके लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है। और एग्ज़ाम में आप इतने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके फिर ये डायग्राम बना दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस का, तो जाके आपका मार्क्स जो है इम्प्रूव हो जाएगा और मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हमेशा ज़रूरी है और आंसर जब भी लिखोगे पॉइंट वाइज लिखोगे। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है सिस्टम कॉल से, तो सिस्टम कॉल के टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से सिस्टम को कॉल, सिस्टम किस तरह से अपने आप को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो वो आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, किस तरह का वो टाइप्स है, किस तरह से वो यूज़ कर, सबसे पहले तो वो करता है प्रोसेस को कंट्रोल करता है। किसी प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करता है, या तो प्रोसेस को क्लोज कर देता है या एबॉर्ट करा देता है, या तो लोड कराता है या तो एग्जीक्यूट कराता है, या तो कोई प्रोसेस को वो क्रिएट कराता है या टर्मिनेट कराता है, या किसी प्रोसेस का एट्रीब्यूट को गेट करता है या सेट कराता है, या कुछ वेट टाइम के लिए वेट कराता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करना है उसको, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वो क्या कराता है, इस तरह से करता है ताकि सारा प्रोसेस उसका कंट्रोल में रहे और उसको स्मूथली वो वर्क कर सके, यानी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए या तो एंड भी करा सकता है, बोर्ड भी करा सकता है, लोड कराना है, एक्सक्यूट कराना है, क्रिएट कराना है, टर्मिनेट कराना है, एट्रीब्यूट उसका गेट करना है, सेट करना है, टाइम इंटरवल उसका सेट करना है, उसको इवेंट जनरेट कराना, तो ये सारा काम जो है प्रोसेस कंट्रोल होके होता है। एक प्रोसेस कंट्रोल के लिए सिस्टम कॉल कैसे कंट्रोल करता है वो पता चल गया। फाइल को कैसे मैनेजमेंट होता है सिस्टम कॉल के थ्रू, किस तरह से सिस्टम कॉल एक्टिव होता है किसी भी फाइल को मैनेज करने लिए, जस्ट लाइक वही होगा जो प्रोसेस को कंट्रोल करना, यानी किसी भी फाइल को हम क्रिएट कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, ओपन कर पाएँ, क्लोज कर पाएँ, रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ, रिपोजिशन कर पाएँ, गेट और सेट कर पाएँ, तो ये फाइल मैनेज हो जाएगा सिस्टम कॉल के थ्रू। डिवाइस को मैनेज करना तो फिर से वही थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें रिक्वेस्ट डिवाइस आएगा, रिलीज डिवाइस आएगा, फिर से वही रीड राइट डिस्पोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच और डिटेल, इसी तरह से आप आंसर लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे बुलेट फॉर्म में। और भी सिस्टम कॉल होता है, एक होता है इन्फॉर्मेशन को मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसके लिए भी वही हो गया, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डाटा, सेट सिस्टम डाटा, गेट एंड सेट प्रोसेस फाइल एंड डिवाइस एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ों को अगर कर पाएगा सिस्टम कॉल तो किसी भी इन्फॉर्मेशन का मेंटेनेंस कर सकेगा। कम्युनिकेट कराना है, लिंक कराना है, तो उसके लिए फिर से वही होगा, क्रिएट करना होगा, डिलीट करना होगा, कम्युनिकेशन कनेक्शन के बीच में सेंड हो सके मैसेज आपस में एक दूसरे के बीच, रिसीव हो सके,
ठीक है, मैसेज पास हो सके, होस्ट नेम पता चल पाए, प्रोसेस नेम हो, तब जाके किसी भी तरह से कम्युनिकेट हो पाएगा, शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्रिएट हो पाए, ट्रांसफर स्टेटस इन्फॉर्मेशन हो पाए, अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइस हो पाए, तब जाके आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा और ये सिस्टम कॉल इस तरह से वर्क करा पाएगा। अगर प्रोटेक्शन को यूज़ कराना है सिस्टम कॉल के थ्रू, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए टू रिसोर्स के लिए, गेट एंड सेट परमिशन होना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट करा सके, अलाउ और डिनाई यूजर एक्सेस होना चाहिए ताकि ये सिक्योर हो रह सके। सिस्टम कॉल का जब आएगा एग्जाम में, तो आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल बता के उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा, और बुलेट टाइप से आंसर लिखोगे तो मार्क्स आपका इंप्रूव हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोसेस, प्रोसेस में हम लोग प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये चार टॉपिक को हम लोग को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले ये जान ले प्रोसेस होता क्या है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोसेस इन सिक्वेंशियल फैशन। ठीक है, कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा है तो किस तरह से वर्क कर रहा है, उस वर्क करने के तरीके को आप जान लोगे कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो वो प्रोसेस हो गया, है ना। मतलब कोई प्रोग्राम को आप वर्क करा सको और उसके वर्क कराने के टेक्निक को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को जान सको, तो वही प्रोसेस है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और भी है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग तरीके का प्रोसेस हो सकता है, या सिंगल प्रोसेस हो सकता है, या डिपेंड करता है किस तरह का प्रोग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कोई भी प्रोसेस वर्क करता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, तो उसका एक लाइफ साइकिल डायग्राम होता है। सबसे पहले प्रोसेस न्यू स्टेज में होता है, यानी प्रोसेस क्रिएट हुआ है, उसके बाद प्रोसेस रनिंग स्टेज में आता है, यानी प्रोसेस रन कर रहा है, वेटिंग स्टेज आता है, यानी आप कुछ इवेंट आ गया या कुछ इंटरप्शन आ गया तो वो वेट कर रहा है, और उस इंटरप्शन को कंप्लीट करके फिर से प्रोसेस रेडी होता है, और प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होकर टर्मिनेट करते हैं। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या प्रोसेस स्टेट आप हमेशा ब्रेन में रखोगे कि इस तरह से ये वर्क करता है, इसका लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस डायग्राम है। उतना लिख के ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, अगर ये वाला डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डायग्राम है प्रोसेस के स्टेट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, किसी भी प्रोसेस का जो ऑपरेशन हो रहा है, सारा चीज़ चल रहा है, तो वो एक कंट्रोल ब्लॉक के फॉर्मेट में होता है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है, एक कंटेनर के अंदर समझो कि स्टोर है, और उस तरह से ये वर्क कर रहा है। यानी प्रोसेस का क्या स्टेट है, एक से ज़्यादा प्रोसेस है तो वो पहला प्रोसेस किस स्टेट में है, रनिंग है, क्रिएटेड है, दूसरा प्रोसेस किस स्टेट में है, प्रोसेस का कौन सा नंबर अभी चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर एक्टिव रहेगा, बताएगा कि प्रोसेस का ये स्टेज कंप्लीट हो गया, रजिस्टर ऑपरेशन कंप्लीट इसमें डिफाइन रहता है, मेमोरी का लिमिट क्या है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल कौन कौन से। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ना, ये प्रोसेस को कंट्रोल करने का ये डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये एग्जाम में आप इस डायग्राम को अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करके क्वेश्चन आता तो ये वाला डायग्राम जरूर दीजिएगा, और साथ में ये वाला आंसर को एक्सप्लेन इस तरह से कीजिएगा, प्रोसेस का स्टेट क्या है, ये वाला यहाँ से रनिंग है कि वेटिंग है, प्रोसेस का काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, सीपीयू रजिस्टर, कंटेंट ऑफ ऑल प्रोसेस कंटेंट रजिस्टर, कौन सा प्रोसेस खुला हुआ है, कौन सा प्रोसेस वर्क कर रहा है, कौन सा डेटा लिया गया ये रजिस्टर पता चलेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग और इन्फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस पहले वर्क करेगा उसके बाद कौन सा करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट आपको इसमें एक्टिव होना है, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्म, ये सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, इसके बगल में डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस का शेड्यूलिंग। प्रोसेस का शेड्यूल जो है, जिस अगर अच्छे से समझ जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेस किस तरह से वर्क कर रहा है ये आप कंट्रोल भी कर पाओगे, और सारे प्रोसेस को आप तरीके को समझ पाओगे। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग सेलेक्ट अमॉन्ग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द सीपीयू। यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग अगर आप यूज़ करोगे तो सीपीयू को आप पूरा हमेशा ठीक से यूटिलाइज कर पाओगे, और आप जो जरूरत है जिस प्रोसेस की, ऐसा नहीं कि बेकार प्रोसेस को सीपीयू में आप इंसर्ट करा दिए, जिस प्रोसेस की सबसे पहले प्रायोरिटी है, जो जॉब के लिए माने वर्क कर रहा है और क्यू में लगा हुआ है, और उसमें से आप चूज करोगे कि अच्छा ये वाला प्रोसेस, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को पहले वर्क देना है, प्रायोरिटी क्या सेट किए हो, तब जाके ये काम होता है ताकि स्मूथली वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को आप पीछे कर दिए और जो इम्पॉर्टेंट नहीं उसको आप आगे कर दिए, और वो सीपीयू को यूज करके प्रोसेस को यानी आपके सिस्टम को स्लो कर दे रहा है, आपके वर्क को स्लो कर दे रहा है। अगर आपसे संभव होगा तो ये वाला प्रोसेस डायग्राम जो रेडी क्यू एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यू के फॉर्म में, अगर आपसे पॉसिबल होगा तब दीजिएगा, मैं आप पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये अगर होगा तो आप कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है,
इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन से प्रोसेस का किस प्रोसेस से लिंक है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूलर हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेड्यूलर जो होते हैं मेनली जो होते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर जिसको कहते हैं, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर, इस दोनों को बहुत अच्छे से स्मूथली बारीकी से समझ लेना है। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इन टू द रेडी क्यू, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और सीपीयू हो गया। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एक्सक्यूटेड नेक्स्ट आफ्टर द लोकेटेड सीपीयू, ठीक है। यानी एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस कौन जाएगा सीपीयू में लोकेट होने के लिए, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बताएगा। और जो जॉब शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्राउट इन टू द रेडी क्यू, ये बताएगा कि कौन सा प्रोसेस आपको जाने वाला। दोनों एक दूसरे से लिंक किए हुए, मतलब एक लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म की बारी आएगी। दोनों के बीच में आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो कैन बी एडेड इफ डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग नीड टू डिक्रीज, रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी, स्टोर ऑन डिस्क, ब्रिंग बैक टू द फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेन मेमोरी से ला के डिस्क में और डिस्क से फिर मेन मेमोरी में, यानी जब काम हो जाएगा तो ये स्वैपिंग का प्रोसेस करता है, यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म का वर्क है कि प्रोसेस को लाना है, रेडी करवाना है, जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर से जाके स्टोर करवाना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट स्विच आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है व्हेन सीपीयू स्विच टू अनदर प्रोसेस, द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोड द सेव्ड स्टेट फ्रॉम द न्यू प्रोसेस वाया कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अगर स्वैप करना है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच लगा हुआ है ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब एक प्रोसेस को आपने स्विच किया, स्वैप किया और दूसरे प्रोसेस को एक्टिव किया, तो ये जो काम होता है ये कॉन्टेक्स्ट स्विच के थ्रू होता है। में क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, प्रोसेस का ऑपरेशन बताना। तो प्रोसेस का जो ऑपरेशन अभी आप लोगों ने लाइफ साइकिल डायग्राम से देखा था, क्रिएशन, टर्मिनेशन, वेटिंग, ये सारी चीज़ों को आपको पूरा ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे ये प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस का होता है ऑप्शन। फिर प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होता है, जनरली इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना है। प्रोसेस का आप लाइफ साइकिल ही बना लोगे, वो अपने आप में कंप्लीट आंसर है, वो लॉन्ग टर्म आंसर में उतना तक काफ़ी है। अगर थोड़ा बहुत आपके पास टाइम रहेगा तब इस चीज़ को देखिएगा। कई प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस स्टेट डायग्राम के फॉर्म में आता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है, तो थोड़ा सा कभी टाइम मिलेगा तो इसको देख लीजिएगा। जैसे ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, शेयर मेमोरी सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जब कम्युनिकेट कर रहे हो और मैसेज को पास कर रहे हो, तो इसको किस तरह से एक्टिव कराते हैं, सेंड मैसेज होता है, रिसीव मैसेज होता है, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का ये थोड़ा हाई रहता है। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जनरली नहीं पूछता है, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का दो तीन पॉइंट आप देख लीजिएगा। सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया, मैसेज पासिंग के केस में सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज कराते हैं, मतलब इस तरह से कराते हैं कि प्रोसेस डेडलॉक में नहीं चला जाए। एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करा के, मैसेज को इधर से ट्रांसफर करा के, उधर से रिसीव करा के, तो ये जो होता है दो तरह से होता है, एक ब्लॉकिंग होता है और एक नॉन ब्लॉकिंग होता है। दोनों टर्म्स को देख लीजिएगा। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में बफरिंग से क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन इसकी संभावना उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तीन तरह का बफर होता है, जीरो कैपेसिटी बफर होता है, बाउंडेड कैपेसिटी होता है, अनबाउंडेड कैप। थ्री पॉइंट लाइन में आंसर है, जीरो कैपेसिटी में कोई मैसेज नहीं होता, एट टाइम मैसेज जो है उसमें स्टोर होता है, फिर निकल जाता है, बाउंडेड कैप साइन फिक्स रहता है, और अनबाउंडेड कैपेसिटी नाम से क्लियर है, इसमें जितना चाहो डेटा को आप इंसर्ट करा सकते हो। मैं इस वीडियो को और अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का दो वीडियो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये प्रोसेस तक ही कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं सारे लिस्ट ऑफ पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना जान लो कि ये साल भर का कोर्स मैं आधा घंटा और एक घंटा में जो कंप्लीट करता हूँ, तो इससे ये मत समझ लो कि ये जो कंप्लीट आंसर, इसमें आपको सारा पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं मान के चलता हूँ आपने ये पढ़ा हुआ, आप बिल्कुल अगर पढ़े नहीं हुए हो तो किस तरह से पास करोगे। तो ये आपका रिवीजन के फॉर्म में है, आपको ये सारे टॉपिक्स को मेरे से सुनना है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ। आप इस चीज़ के लिए श्योर रहो कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस चीज़ को अगर आपने क्लियर कर लिया, आपने पढ़ लिया है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, और दूसरा चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि उनको पता रहता है लेकिन आंसर वो समझ नहीं पाते कि मैंने सही से, लेकिन मैं अब वो क्या कर रहा हूँ, उस टॉपिक को डिस्कस करके उसके आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके चलते अब आपका पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे पॉज करके फिर बुक निकालो। मैं गैल्विन को फॉलो कर रहा हूँ, गैल्विन ही आपका सिलेबस भी है,
तो आप गैलविन के नोट्स को या जो भी क्लास में नोट्स हुआ उससे मैच कराओ आंसर को, और एक बार फिर पढ़ो, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एकदम समझो कि ये रेडीमेड आपका आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे यार हमको इतना नॉलेज हो गया। तो एकदम बारीकी से देखो, और जितना हो सके इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके शेयर कराओ, ताकि सबको ही को इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। आधा एक घंटा टाइम तो सबके पास रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मेरा कोई वीडियो आधा घंटा मैक्सिमम होता है, और अगर उससे ज़्यादा होता तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो आपके पास इतना तो टाइम होगा ही ताकि आप रिवाइज कर सको। इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको बना रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा।